नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अयोध्या धाम में माया विकास खंड में मनमानी पर उतारू खंड विकास अधिकारी भ्रष्टाचार की खबरों के प्रकाशन से इस कदर घबरा गए हैं कि अब उन्होंने खबर प्रकाशित करने वाले पोर्टल के एडिटर इन चीफ पीयूष कुमार सिंह राजन पर अपने अधीनस्थों के माध्यम से खबर डिलीट करने का नाजायज दबाव बनाए जाने और फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने की आशंका शिकायत एसएसपी से की है। एसएसपी को भेजे शिकायती पत्र में पीड़ित एडिटर इन चीफ पीयूष कुमार सिंह ने लिखा है कि पेशे से पत्रकार है, पत्रकारिता जगत से जुड़कर समाचार पत्र के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पोर्टल के माध्यम से समाचार का प्रकाशन किया करते हैं। उन्होंने कहा कि विकासखंड माया में व्याप्त भ्रष्टाचार का खुलासा कई प्रकरणों उनके द्वारा किया गया। खबर गुरुबख्शगंज थाने का है जहां पर कोर्ट में चल रहे विचाराधीन जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। पीड़िता ने दरोगा पर मारने पीटने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया कि गुरुबख्शगंज थाने में न्याय की गुहार लगाई तो उल्टा पुलिस कर्मचारी संतोष पाल सिंह जो कि दरोगा है उनके द्वारा पीड़ित को थाने में बंद कर दिया गया। पीड़ित ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि थाने में उसे रात को जूते और लातों से मारा गया है। पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहा है लेकिन उसे न्याय नहीं मिला है। मामला हमारा एक जमीनी विवाद है जो कि मेरी मिसेस का नाम बैनामा था। इसका कोर्ट में विचाराधीन मुकदमा चल रहा है जिसको 11 अप्रैल की तारीख लगी हुई है, लेकिन मेरी विवादित पार्टी आके यहाँ सराहंगी करके कल फिर हमने एप्लीकेशन दिया राजू शर्मा। फिर हम थाने गए, हमारे परिवार वालों ने 100 नंबर को फ़ोन किया, वो आई, मना किए, नहीं माने। उसके बावजूद फिर वहाँ से संतोष पाल सिंह दरोगा और पूरी टीम लेके आए, वो हमको यहाँ से बैठा के ले गए, चलो वहाँ साहब को कागज़ दिखाओ। साहब को कागज दिखाने के बावजूद तुरंत कागज छुड़ा लिए गए, उसके बावजूद हमको अंदर कर दिया गया। वही अलीगढ़ के थाना गंगीरी क्षेत्र में गांव मलसई में स्थित प्राचीन मंदिर पर असामाजिक तत्वों ने हनुमान मंदिर में लगी राम दरबार की मूर्तियों को खंडित किया। मूर्ति खंडित को लेकर के गांव में लोगों में आक्रोश है। वही पुलिस ने आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और गांव वालों को समझाने में जुटे हैं। अलीगढ़ गंगीरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। खबर बस्ती से है जो बस्ती कप्तानगंज एटीएम कांड के बाद एसबीआई बैंक शाखा में चोरी का प्रयास किया गया। एसबीआई बैंक की शाखा में चोरों ने पीछे से दीवार काट कर सेंध लगाई। पुलिस चौकी के करीब भी मौजूद एसबीआई बैंक का ये मामला है जो दुबौला स्टेट बैंक शाखा में चोरों ने सेंध लगाकर चोरी का प्रयास किया। बता दें कि लगातार बैंकों के रुपए को अपना निशाना बनाते जा रहे हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची एसपी आशीष श्रीवास्तव की टीम वही अपर पुलिस अधीक्षक दीपेंद्र चौधरी सीओ कलवारी ने जायजा लिया। ये कप्तानगंज थाना चौकी दुबौला अंतर्गत एसबीआई बैंक की ब्रांच है जहां पर 27 तारीख की सुबह में वहाँ गार्ड ने आकर के देखा कि पीछे से सेंधमारी की गई है। उसकी सूचना पर फौरन हम सभी उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पीछे से सेंधमारी की गई है, लॉकर पर तोड़ने के प्रयास किया गया लेकिन उसमें सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 25-26 यानी संडे को जब ये बैंक बंद था उसके बीच में ये सेंधमारी करने का प्रयास किया गया है। आसपास के जो भी हमारे सीसीटीवी फुटेज हैं बाकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनसे पहचान करने की। यहाँ पर चूँकि ये बहुत कम स्टाफ का ब्रांच है तो उनसे भी पूछताछ की जा रही है। वर्तमान में मैनेजर और जो फील्ड ऑफिसर हैं वो सब छुट्टी पर बाहर हैं, तो किन परिस्थितियों में घटना घटित हुई, कौन से जिम्मेदार हैं, शीघ्र इसका अनावरण किया जाएगा। बरेली में बहेड़ी सपा विधायक अताउर रहमान पर युवक को कमरे में बंद कर पीटने का आरोप लगा। जमीन के रास्ते के विवाद में दोनों पक्ष समझौते के लिए पहुंचे थे विधायक के पास, तो पुलिस ने विधायक सहित 4 लोगों को हत्या की कोशिश करने से तने धाराओं में मुकदमा दर्ज। विधायक ने आरोपों से इनकार किया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को तहरीर देकर समझौते की बात कही। बहेड़ी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अलीगढ़ जिला कारागार की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए डीजी जेल ने गाइडलाइंस जारी किया। अब जेल में कर्मचारियों के साथ साथ जेल सुपरिटेंडेंट भी स्मार्ट वॉच नहीं पहन पाएंगे। जेल में प्रवेश के दौरान पुलिस कर्मियों की चेकिंग की जा रही है। जेल सुपरिटेंडेंट ने जेल के बाहर नोटिस लगाया, आदेश का पालन न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। नोटिस में लिखा हुआ है कि जेल में स्मार्ट वॉच और स्मार्ट ब्रेसलेट पहनना मना है, तो वही बता दें कि इसमें मोबाइल से कनेक्ट होने की भी बात कही गई है। ये जो है पुलिस महानिदेशक कारागार की तरफ से कारागार की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से इस प्रकार के एक परिपत्र जारी किया गया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गजट स्मार्ट वॉचेस की
कारागार की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको बैन किया गया है, जो शासकीय और अशासकीय दोनों व्यक्तियों पर लागू होगी। पूर्व में इस प्रकार की व्यवस्था मुलाकातियों के लिए लागू की गई थी। खनन विभाग के मनमानी रवैये से त्रस्त होकर मोटर मालिकों ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष सुनील सिंह के नेतृत्व में बीती रात बघा नाला स्थित जिला पंचायत बैरियर के पास चक्का जाम कर दिया। इस दौरान सुनील सिंह ने कहा कि खनन इंस्पेक्टर के द्वारा जो गाड़ियां अंडर लोड और परमिट के साथ जा रही थी उनको भी रोककर बेवजह जुर्माना वसूल किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है और साथ ही खनन इंस्पेक्टर के सौतेले व्यवहार से काफी मोटर मालिक परेशान है। समाचार लिखे जाने तक मौके पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा था। आक्रोशित मोटर मालिकों के साथ लोगों ने खनन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। खनन विभाग जो गलत कार्य कर रहा है। मामला यही है कि जैसे हमारी गाड़ी अंडर लोड माल लदी है, 16 चक्का गाड़ी है, जिसमें प्लांट पे इस समय हर लोग जानते हैं कि ऑनलाइन परमिट निकल रहा है, परमिट निकलने में थोड़ा सा लेट से परमिट निकल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो ड्राइवर हैं वो दिखा रहा है कि नहीं, हाथ से चालान चला गया और परमिट निकल के आ रहा है, और मात्र 2 सेकेंड की अंतर है परमिट निकलने में और चालान होने में। उसके बाद भी अधिकारी से बात करने के बावजूद भी कोई अधिकारी नहीं माना और हमारी गाड़ी को उठा करके चालान कर दिया। जब हम इंस्पेक्टर से बात किए तो इंस्पेक्टर का कहना है कि हम चालान करेंगे, आपको जो करना है वो कीजिए। वहीं बात जब हम खनन अधिकारी से किए तो खनन अधिकारी का कहना है कि ऑनलाइन अब चालान हो गया और मात्र इसमें 2 से 3 सेकेंड की अंतर है, बताइए अब इसमें हम क्या करें। तो बताइए, अगर जो हम लोग अंडर लोड गाड़ी चलवाते हैं, परमिट से चलवाते हैं, उसके बाद ये स्थिति है, तो अन्य लोगों की क्या स्थिति हुआ। अधिकारियों से बात करने के बाद भी बदतमीजी से अधिकारी बात कर रहे हैं जो कि परमिट के साथ। वही अगली खबर बरेली से, जहां मर्सिडीज कार के ड्राइवर को कार ने टक्कर मार ड्राइवर को घायल कर दिया और घायल ड्राइवर को 500 मीटर कार के बोनट पर खींचते हुए ले गया। आसपास के लोगों ने ड्राइवर की जान बचाई। बोनट पर खींचते हुए ड्राइवर का वीडियो भी वायरल हुआ। बरेली के थाना प्रेमनगर क्षेत्र का सिलेक्शन पॉइंट का ये पूरा मामला है। थाना प्रभारी चोपन श्री लक्ष्मण पर्वत के नेतृत्व में चोपन थाने के क्षेत्र के इंचार्ज और संप्रभात व्यक्तियों के साथ साउंड मालिक की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में उपस्थित इंचार्ज संप्रभात साउंड मालिक से वार्ता कर उपरोक्त त्योहार को सौहार्द और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई और साथ ही कहा कि होलिका और होली के दिन किसी भी प्रकार के साउंड मालिक कोई बुकिंग नहीं करेंगे। यदि धारा 144 के नियमों का पालन नहीं किया गया तो अर्थदंड और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त बैठक में उपस्थित अधिकारी कर्मचारीगण को थाना क्षेत्र में सतर्क दृष्टि रखते हुए आगामी त्योहारों को सकुशल और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने में मदद करे। इस दौरान प्रभारी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। वही सैकड़ों की संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने संत समाज पहुंचा। संत समाज ने शंखनाद कर अनोखा प्रदर्शन किया, सरकार को शंखनाद सुनाई। वह बता दें कि मस्जिद के इमाम की तरह पुजारियों का वेतन देने की मांग की है। जिला कलेक्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। क्या नाम है आपका और क्या प्रोटेस्ट था आज आपका? मेरा नाम श्याम कृष्ण रस्तोगी, मैं राष्ट्रीय पुजारी परिषद का संस्थापक। आज हमारी योगी जी से मांग है कि 20 अप्रैल 1922 में योगी जी ने एक कल्याण बोर्ड बनाया था, पुजारी पुरोहित एवं कल्याण बोर्ड, और जिसे सुनकर ऐसा लगा कि मंदिरों के पुजारियों का सपना था कि उन्हें वेतन मिले और उन्हें भत्ता मिले, वो पूरा होगा। मंदिरों के पुजारियों ने पूरे प्रदेश भर में बहुत ज्यादा खुशी मनाई थी, पर वो धीरे धीरे इसमें मतलब उनकी खुशी है ना समाप्त होती गई, और वो 10 माह बीतने के बाद भी कोई भी उस पर काम नहीं हुआ। और वर्ष 2023 और 24 का बजट आ गया, उस बजट में कोई भी उसका बोर्ड का कोई जिक्र नहीं है। जब बोर्ड में पैसे ही नहीं होगा तो मंदिरों के पुजारियों का कल्याण योगी जी कैसे करेंगे, ये बताए हमें वो। मथुरा के बरसाना में आज श्रीजी मंदिर पर लड्डू मार होली का आयोजन किया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध बरसाने की लड्डू मार होली को देखने के लिए और अपने आराध्य को मानने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु बरसाना पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कल विश्व प्रसिद्ध लड्डू मार होली भी बरसाना में खेली जाएगी। हम दिल्ली से आए, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे लड्डू होली को लेके? लड्डू होली को हमारी किस्मत है कि हमने राधा रानी के दर्शन कर रहे हैं, अभी हमने बागे बिहारी भी जाना है, 4 बजे बागे बिहारी दर्शन करेंगे, इसके बाद फिर निधि
बन जाएंगे, विधि वर्ग के बाद प्रेम मंदिर भी जाएंगे और इस्कॉन टेम्पल भी जाएंगे। ब्रज की होली लगातार हो रही है, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ अपनी लाइफ में ना, वैसे कई बार आ चुका हूँ लेकिन ब्रज की होली के टाइम फर्स्ट टाइम आया हूँ। ये हमारी किस्मत है कि हम पहली बार ब्रज की होली खेलने आए हैं। आक्रोशित वकीलों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर शांत रूप से प्रदर्शन किया। हसनगंज तहसील प्रशासन के खिलाफ वकीलों ने काफी समय से अपना मोर्चा खोलकर नारेबाजी कर रहे हैं। नायब तहसीलदार धीरेश सिंह के द्वारा कई गलत आदेश जारी करने से वकील आक्रोशित हैं। वहीं आक्रोशित वकीलों ने नायब तहसीलदार पद से हटाने की मांग की है और उसको लेकर प्रदर्शन किया। बीते करीब 2 महीने से वकील हड़ताल कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। जिलाधिकारी अंकित शुक्ला ने वकीलों से ज्ञापन लेकर 1 हफ्ते के अंदर नायब तहसीलदार को हटाने का भरोसा दिया है। तो वहीं वकील संगठन के लोगों ने 1 हफ्ते के अंदर तबादला न होने पर फिर से धरना करने के अल्टीमेटम भी उन्हें दिया है। पूरा मामला जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज के वकीलों और राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।